जी गाइस, हर हर महादेव। कैसे हो सभी लोग? होपली सभी लोग मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो आज की जो ट्रिप है वो केदारनाथ के लिए है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलने वाले हैं गाइस थोड़ी देर में अब यहाँ से केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ जाके फिर आपको दिखाते हैं बाबा का क्या व्यू रहता है और क्या क्या सीन रहते हैं। तो बस निकलते हैं गाइस यहाँ से। अभी थोड़ी देर लगेगी बस, क्योंकि कुछ लोग नीचे गए हैं गुरुद्वारे में लंगर छकने। तो मैं तो खाया आया हूँ और चाय भी पी के आ गया हूँ। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में और फिर दिखाते हैं आगे क्या सीन रहता है। आप लोग कंटिन्यू बने रहें और चलते हैं गाइस। थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो निकलते हैं। 300 सभी लोग टैंक सुनकर आ रहे हैं। बाइक का भी हमने भैया का पड़ा है 1120 का टीवीएस में। अब देखते हैं हमारा कितने पड़ता है। उसमें भी पड़ गया, उसमें भी पड़ गया। अब ये तीन नहीं, उसमें भी पड़ गया। अब ये तो हमारी हमारी वाली और ये विपुल भैया वाली बच्ची की गाड़ी, इनमें पड़ेगा। हमारी वाली गाड़ी में तो शायद थोड़ा बहुत हो अभी, लेकिन फिर भी कुछ कराना चाहिए क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी पेट्रोल पंप फिर नहीं है। पहाड़ों में पड़ रहा है गाइस फ्यूल। पहले का भी तो है मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुने आ। मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुने आ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। गाइस बादली बादल है पूरा, और सामने देखिए ये बादल है, कोई फॉग वगैरह नहीं है। हम लोग बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। देखिए गाइस सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। बाय बाय। ओए गाइस, सबसे ऊपर टॉप वाले पहाड़ पर हम लोग सबसे ऊपर। देखिए यहाँ पर भी पेड़ खत्म हो गए और इधर भी पेड़ खत्म हो गए गाइस। बस सारे नीचे हम लोग बादलों में, बादलों में गाइस। ये बादली बादल है, ये देखिए गाइस उड़ रहे हैं। ये बादली बादल है, ये देखिए। राम से चल यहाँ पे इतना अच्छा व्यू देख के हम सभी लोग रुक गए। फोटो और वीडियो बनाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। देखिए कितना प्यारा, बादलों में खड़े हम लोग, बादलों में यार। तुझ में मगन ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले भोले।
चला ही नहीं अब हम जैसा चला रहे हैं। मेरे साथ चले गाइस, ये व्यू देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है। तो गाइस हमारी दो गाड़ियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पता नहीं क्यों पकड़ा है, हमें सिर्फ फोन करके बोल दिया है जहाँ पर भी हो वहाँ रुक जाओ, जय बोले भैया वहाँ पर रुक जाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं और अभी तक वो लोग नहीं आए हैं, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब देखते हैं क्या रहता है, क्यों रोकी गाड़ी और क्यों चालान भी किया है उन्होंने, पता नहीं किस बेस पे चालान किया। हमारे पास तो सारी चीज़ें कंप्लीट थी, लेकिन आते हैं अब वो लोग तभी पता चलेगा कि किस बेस पे उन्होंने चालान किया है। A few moments later. भाई ये सभी लोग आ गए, क्या हो गया भैया? तो बढ़ते ही जा रहा है चालान। कितने का हुआ? 500 हुआ। चलो यार जे भी सही, ज्यादा नहीं हुआ। हेलमेट पे चालान किया है, इन लोगों ने हेलमेट उतार दिए थे इसलिए 500 रुपए का चालान हुआ है दो गाड़ियों का। तो सही भी है, होना भी चाहिए, सिक्योर हम लोग रहेंगे हेलमेट पहनेंगे अगर। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अब जो हुआ सो हुआ उसको भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस आपसे। जय बाबा के, हर हर महादेव। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई है गाइस, आप देख सकते हैं। अभी आपको धीरे धीरे और आगे बहुत लंबी लाइन है गाइस, और यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है अभी केदारनाथ धाम। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, गाइस यार यहाँ पर खड़े हुए 20 मिनट हो गए, अभी तक ट्रैफिक में क्लियर हुआ है गाइस। और इधर ये अर्टिका वाले ने बहुत गलत लगा दी है, सामने से आ रही गाड़ी को इधर ब्लॉक कर रखा है इस अर्टिका ने, और ना हम लोगों को निकलने दे रहा है ना उधर वाली साइड से कोई भी इधर आ पा रहा है, इसीलिए जाम लगा हुआ है तगड़ा वाला भाई। मैंने यार हेलमेट लगा लिया क्योंकि यार मेरी जो ड्रेसिंग हुई थी वो यार पानी की वजह से भीग रही थी, इसलिए यार गाइस मैंने हेलमेट लगा लिया। फाइनली गाइस हल्के हल्के क्लियर हो रहा है ट्रैफिक, यार हो गया है सीतापुर आ गए सीतापुर। अरे वाह ये कितनी बढ़िया लोकेशन आ रही है। फाइनली गाइस आ रहे हैं सोमप्रयाग और हम लोगों ने गाड़ी भी पार्क कर दी है, तो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। तो देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको आगे क्या सीन रहेगा। तो चलते हैं गाइस यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले डिंगा। हम लोगों ने सोमप्रयाग में रूम ले लिया है और अब आया खाना खाने, भाई पानी दे, अब आया गाइस खाना खाने। तो यहाँ से खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और 2-3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे बाबा के दर्शन करने। तो अब रेस्ट करते हैं और सुबह मिलते हैं गाइस, तो वेट करिए सुबह तक का, मिलते हैं गाइस, हर हर महादेव।